अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल केबीआर न्यूज़ में आपका खैर मुकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। आम आदमी पार्टी की जानिब से हैदराबाद की एक टीम भोदन पहुंचकर भोदन पुलिस को एक मेमोरेंडम देते हुए टीआरएस लीडर अब्दुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। चंद दिन खबर सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, जिसमें टीआरएस लीडर अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी के मोहम्मद जुनैद को रात के औकात में फोन करके तंग करने की बात बताई गई थी। इस मसले पर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले खैरताबाद से मोहम्मद माजिद और उनकी एक टीम ने भोदन शहर पहुंचकर भोदन पुलिस में अब्दुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इन्होंने पहले अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाई, फिर इन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अहदेदारों से टीआरएस लीडर अब्दुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इन्होंने मजीद मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी बौखलाहट का शिकार है, अपने वादे और अपने नाखिज दौरे हुकूमत से तंग आकर टीआरएस पार्टी के लीडर आवाम से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इन्होंने अब्दुल रहमान को पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी को अपनाने की बात कही। आइए देखते हैं भोदन से अब्दुल माजिद की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद माजिद कॉन्टेस्टेड MLA और इंचार्ज खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी। आज हम आम आदमी पार्टी स्टेट कन्वेनर रामू गौड़ साहब और राजेंद्र नगर कॉन्टेस्टेड MLA सादिक बिन सालम साहब, सीनियर पार्टी लीडर असद साहब और फजल साहब और हमारे लुत्फी साहब जो सोशल मीडिया देखते हैं, सब सोशल मीडिया तेलंगाना सोहेल साहब, आज आके एक हमारा मेमोरेंडम सर्कल इंस्पेक्टर भोदन को पेश किए और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे को मुतमईन किया कि हम इंक्वायरी करेंगे और इस पे जो है सो FIR की जरूरत पड़ेगी तो हम FIR करेंगे। बिल्कुल हम CI साहब के अल्फाज पे मुतमईन है, क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं कि कोर्ट से इंक्वायरी, कोर्ट अगर परमिशन दिया तो हम कोर्ट के हिसाब से हम इंक्वायरी करके उस पर FIR पेश करेंगे। हमने उनसे डिमांड किया कि अगर FIR कोर्ट से अगर गलत परमिशन नहीं भी बोलना है तो वो भी जो है सो हमारे को रिपोर्ट दियो, बोल के बोले वो भी जो है सो उन्होंने एग्री हो गए। साथ ही साथ हम हमारे अब्दुल रहमान साहब जो नाम है अल्लाह के नाम से उनका, लेकिन चाले हैं बिल्कुल शैतानियत के, गंदी जबान के, सिर्फ अब्दुल रहमान एक ही नहीं सारी टीआरएस पार्टी अब वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी नहीं रही है, टीआरएस पार्टी तेलंगाना रोडी शीटर्स पार्टी रही है। आज हम जो जमा हुए हैं इसमें आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स है, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स है, खुद टीआरएस पार्टी के सपोर्टर्स है, MIM पार्टी के सपोर्टर्स है, YSR पार्टी के सपोर्टर्स है। क्यों है ये हमारे जुनैद साहब का जो सबर, ये सब लोग को मुतहिद किया है। इंशाल्लाह ताला वो दिन जरूर आएगा, जालिम के खिलाफ पूरे एक होकर आवाज उठाकर एहतजाज करेंगे। और हमारे रहमान साहब से मैं एक मशवरा देना चाह रहा हूं, जो टीआरएस पार्टी है तेलंगाना रोडी शीटर्स पार्टी, आगे वाले पार्टी के लोगों को गाली देने से खुश नहीं होती। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप टीआरएस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन होके KCR को गालियां दो। KCR को गालियां देने से रावली मिनिस्टर बना, KCR को गालियां देने से तेलासानी श्रीनिवास यादव मिनिस्टर बना, तेलासानी को गालियां देने से और कई लोग मिनिस्टर्स बने, कई लोग MLAs बने। मत करो, अपोजिशन पार्टी के लीडरों को गाली मत दियो, आवाम की खिदमत करने वाले को गाली मत दियो। गाली देना है तो KCR को दियो, जब तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, जब तुम्हारे को TRS में एक अच्छा लेबल मिलेगा, TRS में लेबल मिलना है तो TRS को गाली दियो दूसरी पार्टी में आके। इसमें आम आप अगर वाकई हमारे रामू गौड़ साहब ने बोला है, अगर आपको लीडरशिप करना है